दोस्तों, दिन भर में आप कितने भी YouTube पर वीडियोस देख लो या फिर ऑनलाइन मूवीज देख लो, आप दिन भर में एक बार तो ज़रूर टीवी देखते होगे। और अगर आप टीवी देखते होगे तो आपको इस टाइप के नंबर्स देखने को ज़रूर मिलते होंगे जो कि आपके शो में या फिर कोई भी प्रोग्राम में आते होंगे, या फिर कोई भी एक रैंडमली नंबर जनरेट होता है किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पर टीवी पर। तो कभी सोचा है कि ये नंबर्स क्या होते हैं और क्यों जनरेट होते हैं, और ये जो नंबर है उससे आप तक पहुंचा भी जा सकता है, तो कैसे? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ही, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। एटलीस्ट उनको पता तो चले कि ये जो नंबर है उसे उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ कि कोई भी आधे घंटे का या फिर एक घंटे का सीरियल है, प्रोग्राम है, तो कम से कम एक बार तो आता ही है या फिर एक दो बार तो आता है। इवन आप अगर क्रिकेट की लाइव मैच देख रहे हैं तो वहाँ पर भी वो नंबर जनरेट होता है। तो ये बात आपको पता नहीं होगी कि वो जो नंबर आता है वो यूनिक रहता है। मतलब जो भी नंबर आपके सेटअप बॉक्स पे, मतलब स्क्रीन सेटअप बॉक्स के स्क्रीन पर आ रहा है वो यूनिक है, मतलब वो सिर्फ आपके लिए वो जनरेट किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप सेम टाइम पे दूसरे के टीवी में सेम चैनल पर देखोगे तो वो नंबर अलग रहता है। मतलब जो मेरे घर का नंबर है वो अलग रहता है, और आपके घर का नंबर है वो अलग रहता है, और तीसरे व्यक्ति का जो नंबर जनरेट होता है उसी चैनल के स्क्रीन में तो वो भी अलग रहता है। तो ये यूनिकली जनरेट होता है आपके लिए सिर्फ। आप सोचोगे कि ये बार बार नंबर क्यों जनरेट किया जा रहा है, क्यों हमको आना किया जा रहा है, क्यों हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है। कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग चालू होगी या फिर किसी ने कोई भी प्रोग्राम को डाउनलोड करके यूट्यूब पे डाला है तो वो ज़रूर एक नंबर आएगा उसमें, तो उस नंबर से ट्रैक किया जा सकता है कि आपकी सेटअप बॉक्स की लोकेशन कहाँ पर है, आपकी लोकेशन कहाँ पर है, या फिर आपका नाम क्या है, वो भी पता चल जाता है। क्योंकि वो यूनिकली नंबर आपके लिए जनरेट किया जाता है, आपके सेटअप बॉक्स के लिए। तो घुमा फिरा के सिर्फ प्राइवेसी को बचाने के लिए ये नंबर जनरेट किया जाता है। तो ये ब्रॉडकास्टर्स रहते हैं जो ये नंबर जनरेट करते हैं। क्या होता है कि उनको पता होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम या फिर क्रिकेट की लाइव मैच दिखा रहे हैं, टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो कल कोई इंटरनेट पे अपलोड कर देगा। तो इसी से बचने के लिए वो किसी भी एपिसोड के या फिर किसी भी स्पोर्ट्स के लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है तो उसमें वो नंबर ब्लिंक कर देते हैं, ताकि उस इंसान तक पहुंचा जा सकता है, और किसी भी लोकेशन पर ये ब्लिंक हो जाता है तो सामने वाले को पता नहीं होता कि इस नंबर से मुझ तक पहुँचा जा सकता है, तो वो नंबर हाइड नहीं करेगा और डायरेक्ट अपलोड कर देगा। तो घुमा फिरा के अगर आप कोई करते हैं पायरेसी तो आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्रोग्राम पर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा टीवी से शूट करके, या फिर कोई भी मैच को लाइव दिखा दूँ, तो उस नंबर से ज़रा बच के रहिए, क्योंकि उस नंबर से आप तक पहुँचा जाता है। ये सब लोग ब्रॉडकास्टर्स कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेसी को रोकने के लिए। आपके सेटअप बॉक्स की मदद से ये नंबर जनरेट होता है, किसी भी लोकेशन पर ये ब्लिंक हो जाता है। तो बस दोस्तों, यही एक कारण है कि सरकार बार बार बोल रही है कि सेटअप बॉक्स लगा लो, सेटअप बॉक्स लगा लो। क्यों लगा लो? उससे क्या होता है कि यूनिकली ट्रेस किया जा सकता है, और TRT में बहुत ही आसानी होती है। पहले बात करें तो लोग पहले केबल काट काट कर टीवी देखते थे, तो उससे क्या होता था कि सबके लिए सेम नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा था। तो इससे पता भी नहीं लगा जा सकता कि कितने लोग लाइव देख रहे हैं एक चैनल को और कितने लोग कॉपी कर रहे हैं। तो सेटअप बॉक्स लगने का यही एक मकसद है कि सबके लिए एक यूनिक नंबर जनरेट किया जा सके, और एक समय में देख सकते हैं लाइव कि एक चैनल लोग कितनी बार देखते हैं, कितने समय तक देखते हैं।
तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ना लगी हो अच्छी तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिला करेगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हो या फिर सवाल हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।